अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त अरसलान हैदर। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, और आपको अपने एक और ब्लॉग के अंदर हम वेलकम करते हैं। और ये ब्लॉग जरा इन हाउस रहेगा, मैं कहीं कोई बाहर घूमने शूमने नहीं जा रहा हूं आज के लिए फिलहाल। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता। अभी हम यहाँ पे एक गेम शो की रिकॉर्डिंग हो रही, गेम शो वो कोई टीवी वाला नहीं है, हम छोटी छोटी गेम्स खेलते हैं अपने यहाँ पे बच्चों के साथ, और वो गेम शोज जाती हैं एक और चैनल पे, वो है नूर फातिमा क्रिएट्स, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, गो चेक इट आउट, उसको देखें, उस पर गेम्स वगैरह होती हैं। कौन है ये लोग? मैं आज आपको दिखाता हूँ बिहाइंड द सीन उस गेम शो के, कि वो एक्चुअल गेम शो रिकॉर्ड कैसे होता है। तो अभी मैं चलता हूँ आपको लेके लाइटिंग सेटअप की तरफ, के गेम शो स्टार्ट होने से पहले यहाँ पे जो लाइट्स वगैरह का बंदोबस्त किया जाता है वो कैसे किया जाता है। अच्छा, इस वक्त यहाँ पे ये चल रहा है सेटअप, और ये लाइट्स वगैरह आप देख रहे हैं, मोहसिन भाई हैं, और यहाँ पे इस वक्त ये गेम चैलेंजेस करते हैं और उसमें मैं भी आता हूँ। ये मोहसिन है, ये नूर फातिमा आ गई, देखें लाइटें सेट हो रही हैं भाई, ये देखो, ये देखें ये लाइटें आ गई। तो इस वक्त जो यहाँ पे ये सारा कुछ चल रहा है, ये एक्चुअली तैयारियाँ चल रही हैं इस गेम शो की जो यहाँ पे होगा। मोस्टली यहाँ पे कप गेम्स होती हैं, बैलून्स के साथ गेम्स होती हैं, डिफरेंट गेम्स जो होती हैं वो हो रही होती हैं। और ये नूर फातिमा क्रिएट्स नाम का एक चैनल है, उसको मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, उसको जाके देखें। ये सारा गेम जो होती हैं वो हम वहाँ पे कर रहे होते हैं, शॉर्ट्स के अंदर हम इन गेम्स को लेके आ रहे होते हैं। तो देखना आसान है, थोड़ा सा टाइम लगेगा आपका देख के, आपकी ज़्यादा मेहनत भी नहीं और ना आपका ज़्यादा टाइम लेंगे हम। चार बार बोल रहे हैं, पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। तो मैं आपको ज़रा लाइटिंग का दिखा दूँ। ये है मेन सोर्स, ये मेन यहाँ पे जाता है। इसी तरह जो वो लाइट्स आपको नज़र आ रही हैं वो, उनके ऊपर हम कलर शीट्स देंगे। अभी मैं आपको कलर शीट्स का दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इस तरह के कलर शीट्स आपको बुक स्टोर से मिल जाएंगी, इन्हें जेलो फोम शीट्स कहते हैं। और ये हम किसी भी लाइट सोर्स के ऊपर दे के उस लाइट सोर्स का कलर चेंज कर सकते हैं। देखें अभी ये ब्लू वाले, इसको भी मैंने सही तरह से नहीं दिया, वरना ये लाइट इसको कम्प्लीटली हम ब्लू कर सकते हैं। अगर मैं इसको कम्प्लीटली इसके अंदर रैप कर दूं तो इस वक्त जो ये है ये ब्लू लाइट होगी, और इसको मज़ीद जो है इस तरफ से हम ब्लू देंगे, उस तरफ से हम कोई येलो सोर्स दे देंगे, या समथिंग कोई भी दो डिफरेंट कलर्स का कंट्रास्ट जो है वो हम इसको यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा बेसिक लाइटिंग। और उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे ये रिंग लाइट है, अगर कभी काम पड़े तो हम इसको भी इस्तेमाल कर लेते हैं, वरना नॉर्मली ये हमारे स्टैंड के तौर पर यूज़ होती है। ये देखें यहाँ पर सेल्फी मोड ऑन हो चुका है और लोग अपनी रील्स बनाने में मसरूफ़ हैं। और मिलते हैं आपको इसके बाद। ये देखें यहाँ पे इस तरह का ये सेटअप है, और ये लाइटिंग काफ़ी सॉफ्ट बॉक्स के अंदर लगी हुई है, तो इस लाइटिंग का जो ओवरऑल इफेक्ट है वो काफ़ी मज़े का आता है। आज सुमैया गेम होने वाली है ब्रो। तो 15 सेकंड अब तो ये होगा। किसमें? तो पहले एक बंदा है, फिर वो खेल के चला जाए, फिर दूसरा बंदा है, फिर वो खेल के चला जाए। इस तरह चार गेम्स होंगी? नहीं, दो ही होंगी, दो बंदे खेलेंगे ना, दो ही बंदे खेलेंगे। आप और सुमैया खेल रहे हैं, वो कह रहा है कि पहले सुमैया है, वो अपनी बैलून फेंक के जो भी खेलना है वो खेल के चली जाए, फिर आप आए, फिर दोनों एंड पे काउंट करेंगे किसी गंडी ज्यादा, और मैं चाह रही हूं दोनों बैठे खेलें। और मैं क्या चाह रहा हूं, दोनों इकट्ठे बैठे हैं, लेकिन खेल बारी बारी में है। ऐसे तो नहीं होता है। तो जी ये बहस मोबाइल से चलता रहेगा, देखते हैं क्या फाइनल होता है। 24/7 हमारा एक ब्लॉग आया करेगा। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? पहले पता नहीं कब का बात है। ये जितनी जोर से आपने उठाया ना टेबल टूट जाएगा सर। ये ठीक है, चलो। और ये बलून नीचे जमीन पे नहीं, आपकी जमीन टेबल है, ये बलून फेंका, ये देखो, ये जब तक टेबल पे आया तब तक यूं यूं बस।
जिसकी बारी होगी वो ऊपर बैठेगा। और नहीं नूर, रुक बता रहा हूं, ये सही ऊपर बैठेगा ऐसे। आप समझो पूरा फ्रेम आ रहा है उसमें, क्या मोहसिन जैनब के पापा इसको कम फुलाना प्लीज। कुछ मोनोमेंट्स रिकॉर्ड करना। 3, 2, 1 स्टार्ट।3, 2, 1 ये इनको खिलाएंगे और हम खेलेंगे। थैंक यू। और हम खेलेंगे सभी। क्या कर रहे हो हमारे साथ? क्या कर रहे हैं? तो ये भाई आपको नोट कर रहे हैं, कैमरे क्या था आपको देख रही है। हाँ फिर अरसलान को तो 2000 और पड़ेगा। ये देखिए हम यूं भी खेल सकते हैं आज जिसके दिन आई यूज करने। स्पैचुला यहाँ तो पूरे पूरे मुंह से इस क्लास के लिए तभी तुम पर डाय जान चुके। मैं सही हूँ वो तेरा इसके अंदर रखेंगे ना सर में मारेंगे। ओह ले 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 अपनी ना पीछे का देख लिया तो ये कैसे है ये तो मतलब कैसे कह ली थी मुझे तो इसकी आवाज बहुत आ रही है। बिल्कुल भी नहीं। इन लोगों ने चीटिंग कराने की कोशिश की थी, सबसे पहले चीटिंग करी, ये हार गई। मैंने चीटिंग नहीं की, मैं जीत गया हूँ। और इसके बाद इन दोनों की अभी बारी आनी है। मैं जीता हूँ ये पार्टी के बिस्कुट, जीता हूँ मैं, साथ जीता हूँ मैं ये 4 कप चाय पार्टी बिस्कुट। आज की जीत हमारी ये हुई है। इसी तरह मैं रोज रात को उनके पास गेम खेलने आ जाता हूँ, जीत के चला जाता हूँ। मेरे को रात के खाने की जरूरत नहीं पड़ती। गाइस टी ब्रेक चल रही है यहाँ पर और इस ये नूर फातिमा की चाय पड़ी है, ये तब से हंस रही है। इससे हिम्मत नहीं हो रही कि ये चाय के कप को हाथ डाले क्योंकि कांप रहे हैं इसके हाथ, इसकी हाथें इसकी हाथें कांप रही हैं। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये ब्लॉग आज का यहीं पे एंड होता है। फिर मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग के साथ, एक नए चाय के कप के साथ। चन्ना मार मार को ले।